गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे चैप्टर 2। धानी धरती मीन्स हरी पृथ्वी या जमीन भी कह सकते हैं। बाल विचार मंच के बच्चों को भीड़ पूरी तैयारी में थी। सभी बच्चे प्रसन्न और उत्साहित थे। प्रसन्न को हम लोग खुश भी कह सकते हैं, उत्साहित मीन्स रोमांच। पिछले 5 दिनों से वे अपनी सोसाइटी की सफाई करने में जुटे थे। पिछले 5 दिनों में वो लोग अपने सोसाइटी को साफ सुथरा कर रहे थे। जगह जगह से कूड़ा उठा दिया था। जंगली घास झाड़ फूस उखाड़ फेंका था और बदरंग हुए गेट को रंग दिया था। मीन्स जो गेट था जिसका रंग उड़ गया था, जो खराब हो गया था, उसको उन्होंने रंग दिया था। गेट के साथ लगी छोटी लंबी दीवार पर भी कुछ बड़े बच्चों ने अपनी कलाकारी दिखा दी। आज वृक्षारोपण अभियान मीन्स पेड़ लगाने की योजना आरंभ करना था। सभी के पास कोई ना कोई औजार था। आज उन्हें नीम के 30 पौधे लगाने थे। वे उनकी सुरक्षा के लिए उनकी चारों ओर 6 ईंटें भी लगानी थी और उनकी सुरक्षा के लिए बोलो पेड़ के चारों ओर ईंटें भी लगा दिए। गड्ढे खोदने की जिम्मेदारी अंकुर गौरव आनंद राजेश और अधर ने संभाली। शालू प्रीति वंदना और प्रियंका को पौधा लग जाने के बाद गड्ढे में मिट्टी डालने और पानी देने का काम सौंपा गया। बाकी बच्चों को पानी ढोने और ईंटें खोज कर लाने का कार्य पर लगाया गया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वर्षों बाद जब ये पौधे वृक्ष बन जाएंगे तो हमारे मोहल्ले में कितनी हरियाली होगी। हमारे वृक्ष बादलों को वर्षा करने का निमंत्रण देंगे और बादल जानते हो कैसे दौड़े आएंगे एक दूसरे को धकेलते हुए। मोटा बादल कहेगा पहले मैं, काला बादल उसे फटकारेगा, चल धुर वहां तेरा क्या काम, जा पहले जल भर कर ला, पहले जलधर बन। मनोज जैसी किसी स्वप्न में खो गया था। अरे ये क्या हो रहा है, अचानक किसी कठोर स्वर ने उनकी बातचीत में विघ्न डाला। विघ्न मीन्स होता है बाधा, रुकावट। ये चोपड़ा अंकल की आवाज थी। किसकी आवाज थी? चोपड़ा अंकल की, जिनके घर के सामने वाली कच्ची पटरी पर वे गड्ढा खोद रहे थे। अंकल हम पौधा लगा रहे हैं, गौरव ने पसीना पोंछते हुए उत्तर दिया। गौरव ने क्या कहा कि अंकल हम लोग पौधा लगा रहे हैं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, उन्होंने क्या कहा कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस तुम मेरे घर के सामने पौधा नहीं लगाओगे, चोपड़ा अंकल भड़कते हुए बोले। क्या हुआ चोपड़ा साहब, बच्चों को क्या समझा रहे हैं? तभी गुप्ता अंकल भी वहां आ गए और उन्होंने कहा कि बच्चे को क्या समझा रहे हो, क्या हो गया गुप्ता साहब, चोपड़ा साहब? अब देखिए ना, मेरे घर के सामने नीम के पौधे लगा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि मेरे घर के सामने ये लोग नीम के पौधे लगा रहे हैं, जब ये पौधे बड़े बनेंगे तो मेरे घर की नींव भी ला देंगे। चोपड़ा अंकल बोले कि जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे तब ये मेरे घर की नींव भी ला देंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके, तब तक आप लोग जो मैंने जो भी वर्ड मीनिंग बताया है उनको कॉपी में राइट डाउन कीजिए और उन्हें लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू।